हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल 2018 में एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो ये जो भी एनालिसिस होगा वो बहुत सारी मेहनत के बाद किया गया है और मैं आपको बताऊंगा कि सीएचएसएल 2018 में कितने मार्क्स पर आपको जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और ये सभी कैटेगरी के लिए होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, चलिए फिर तो आगे चलते हैं। क्या है हमारे पास में 5918 5918 वैकेंसियाँ हैं और 18,000 लोगों को क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है डीवी के लिए। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर डीवी, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है जिसमें आप लोग देख लीजिएगा कि यूआर से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 3458, ओबीसी से इतने कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस से 3920 कैंडिडेट्स। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे कि रिस्पेक्टिव जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, तो आप लोग वैकेंसीज को भी देख लीजिए एक बार। वैकेंसीज की कॉलम ये बना हुआ है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से कि यूआर की वैकेंसी कितनी है, 2983, एससी की 912, एसटी की 532, ओबीसी की 992, ईडब्ल्यूएस की 499। ठीक है, 5918 वैकेंसी हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और अभी लगभग हमारे पास में कितने कैंडिडेट्स हैं, 18,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जॉब लेना है। ठीक है, या जिनको क्या करना है, डीबी में जाना है। ओके, तो अब 5,000 यानी मैं मान लेता हूँ इसको 6,000 वैकेंसी कितनी हो गई, 6,000 कैंडिडेट्स कितने हैं, 18,000। तो रेशियो कितने का हो गया, रेशियो जो हमारा हो गया वो 1:3 का हो गया। ठीक है, 1:3 यानी इसका मतलब ये है कि अभी भी दो पार्ट यानी दो भाग डबल दो गुना क्या होना है, 12,000 लोगों को बाहर होना है। अब आप कहेंगे कि बाहर कैसे होंगे, तो इसके लिए क्या करेगा एसएससी, अभी जितनी भी कट ऑफ है उसकी कट ऑफ को क्या करेगा, थोड़ा इंक्रीज करेगा, 4 नंबर किसी में, 6 नंबर किसी में, 5 नंबर, तब जाकर के वो 12,000 लोग कैंडिडेट्स क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं क्या है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। तो चलिए जिस चीज़ का आपको इंतजार था मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि इस समय तक यूआर की कट ऑफ कितनी है, 190.33 है, ओबीसी की 167.7 है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 161 है, और एससी की 143 है, एसटी की 133 कट ऑफ है जो अभी इस समय तक है। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि 12,000 कैंडिडेट्स को क्या करना है, अभी 12,000 कैंडिडेट्स को क्या करना है, बाहर करना है। अब इन 12,000 कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ाई जा सकती है या कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहुँच सकती है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूँ कि 18,000 लोग अभी हैं, ठीक है, और अभी आप लोग जानते हैं कि सीजीएल का रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल 2018 का रिजल्ट आया हुआ है जिसमें 11,271 बच्चों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हो गया है, और इसमें से 4 से 5,000 लोग ऐसे होंगे जो सीएचएसएल 2018 में भी अपीयर हुए होंगे। तो आप लोग कहेंगे कि क्या वो 4 से 5,000 लोग जॉब नहीं लेंगे या फिर डीबी में नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, कम से कम 2 से 3,000 बच्चे हैं जिनको अच्छी पोस्ट मिल गई है 2 से 3K, ठीक है, तो वो लोग डीबी में नहीं जाएंगे। ठीक है, और अभी भी कम से कम 2,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब मिलने के बाद भी डीबी में चले जाते हैं, उनका एक अलग ही इशू होता है। उनका इशू ये होता है कि किसी को होम स्टेट चाहिए होता है, होम स्टेट मिल जाता है तो होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए होता है। मैं आप सभी लोगों सेलेक्टेड लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग अगर सेलेक्ट हो गए हैं और अगर आपको सीएचएसएल 2018 के थ्रू जॉब नहीं लेनी है तो प्लीज़ आप लोग डीबी को स्किप कर दीजिएगा, जो भी आपके जूनियर्स भाई बहन हैं उनको कम से कम जॉब मिल सके, और अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं तभी आप लोग में एपीआर हूं। ओके, तो ये हमने बात कर ली है इस चीज की। अब आप लोग कहेंगे कि 2 से 3,000 लोग नहीं जाएंगे, तो अभी कितना डेटा बच गया, तो अभी भी हमारे पास में 15,000 लोग ऐसे हो गए जो कंपटीशन में हैं। ओके, अब 15,000 लोगों में से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कम से कम 2,000 या 2,500 ऐसे लोग होंगे जो अभी बॉर्डर पे होंगे। बॉर्डर पे होने का मतलब होगा जो ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 167 है, तो वो लोग 168 से लेकर के 190 तक में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 168 से 190 के बीच में जो लाई कर रहा होगा उसको जॉब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 190 से ऊपर ही ओबीसी के इतने सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं जिनको जॉब चाहिए है। ठीक है, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के केस में क्या होगा, 161 से 190 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि 190 से अभी इतने सारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अवेलेबल है क्योंकि उतनी सीट भी नहीं है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी 190 है, अगर यूआर की कट ऑफ में आप लोग 7 से 8 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 7 से 8 नंबर इंक्रीज कर देते हैं तो यूआर की कट ऑफ सेफ हो सकती है। अब आप लोग कहेंगे ओबीसी में, तो ओबीसी में आप लोग 6 से 7 नंबर इंक्रीज कर दीजिए, चलिए मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ। ठीक है, ओके, तो जो यूआर की कट ऑफ हो सकती है वो होगी
200 प्लस माइनस 2, ठीक है, 198 से 202 तक वेरी करेगी। और ये कम से कम ये लगभग 95% तक मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब आती है ओबीसी की कट ऑफ पे, तो ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 197 प्लस माइनस 2, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 196 प्लस माइनस 2। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं, मैंने सारे फैक्टर्स को थोड़ा स्टडी करिए उसके बाद ही मैं फाइनल कट ऑफ तक पहुंचा हूं, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को नहीं लिया है, तो मैंने सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया है तब जा करके ये कट ऑफ आई है। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं 196 प्लस माइनस 2 यानी 194 से लेकर 198 तक, इतने इसके बीच में ही रहने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा या एक नंबर का फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ये अब एससी की कट ऑफ की बात कर लें तो एससी की कट ऑफ रहेगी हमारी 188 प्लस माइनस 3, 188 प्लस माइनस 3, ओके। और एसटी की कट ऑफ की बात कर लें तो वो रहेगी 176, 176 प्लस माइनस 4, ठीक है। एससी और एसटी की कट ऑफ में मैंने प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 लिया है क्योंकि रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, तो इधर पे एक्यूरेट कट ऑफ पहुंच पाना, एक्यूरेट कट ऑफ तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने 176 प्लस माइनस 4 लिया है और एससी कट ऑफ ली है 188 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो लगभग यही कट ऑफ हमारी रहने वाली है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जनरल की कट ऑफ 200 के आसपास रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 197 के आसपास रहेगी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 196 197 के आसपास रहेगी और एससी कट ऑफ 190 के आसपास रहने वाली है और एसटी की कट ऑफ 178 180 के आसपास रहेगी, 180 से ऊपर जाने के चांस बहुत ही कम है, यानी 175 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में तो आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई रिवाइज अपडेट आता है या कोई अपडेट करने की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख को एसएससी ने बोला है कि वो मार्क्स रिलीज करेगा कि आपका टायर 3 का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपने कितनी रन करी, अगर उसके बाद कोई अपडेट आता है या कुछ इसमें अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक